ऑब्जेक्टिव शीट थ्री यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस। तो इसके अंदर एच का मतलब हाइट है, एल हो जाएगा। इसके अंदर सिग्मा का मतलब सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन क्या होती है, एम टी माइनस टू। कॉस थीटा नंबर है, कुछ नहीं है। आर का मतलब लेंथ है, डी फॉर डेंसिटी है, एम एल माइनस थ्री, और जी एक्सेलेरेशन है, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप देखना करेक्ट है कि नहीं, खुद आपको चेक करना है। आपको फिर से करेक्टनेस चेक करनी है। फ्रीक्वेंसी टी की पावर माइनस वन है, टू पाई का कुछ नहीं है, एम मास है, एक्सेलेरेशन पता है, लेंथ एल है, और आई मोमेंट ऑफ एनर्जिया एम एल स्क्वायर है, और रेज टू पावर हाफ क्योंकि अंडर रूट है। सॉल्व करके चेक करना कि इसमें करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ही आपसे होगा, तो ये क्वेश्चन अभी करेंगे। क्वेश्चन पढ़े, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय एन, छोटा एन, ये फॉर्मूला गिवन है। कोई मुझे बताएगा कि एन के, एन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एन का, एन के नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ऐसा लगता है इसका आंसर क्या होगा, वन। नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर है, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल एन आर क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, ये पूरी स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर एन का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ये पूरी स्टेटमेंट है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो क्या ये स्टेप क्लियर है पहला, ठीक, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कुछ नहीं वन, एरिया का एल स्क्वायर और टाइम का टी, इसको संभाल के रखो। नेक्स्ट है एन वन एन टू आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन वन एन टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कुछ नहीं, वॉल्यूम का क्या, एल क्यूब, तो एल रेज टू पावर माइनस थ्री। एक्स इसमें डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट्स हैं एल एंड एल, तो आपको इसमें डायमेंशन फॉर्मूला डी का निकालना है क्या होगा। तो आप एक काम करें, ये फॉर्मूला है, डी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वो एरिया पर यूनिट टाइम तो हमने निकाल लिया। एक्स लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ में से लेंथ गया तो आंसर किस में आएगा, लेंथ में, एल माइनस एल तो एल ही होगा, जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर में एन वन एन टू हमें पता है एल की पावर माइनस थ्री, तो पूरा डिनोमिनेटर एल की पावर माइनस थ्री, इसे सॉल्व करके ऑप्शन मार्क करना। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इसको करना है, तो घर जाके एक बार ट्राई करना, सारी वैल्यूज को पुट करना और सॉल्व करना, ठीक। मैं वो हर क्वेश्चन का हिंट देता जा रहा हूँ, ट्राई आपने करने है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कैसे सोचना है इसमें। नेक्स्ट करेक्टनेस चेक करनी है, ये आप करेंगे, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच हैज फॉलन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी वेरीज एज जी की पावर पी एच की पावर क्यू, आपको पी क्यू निकालना है। तो वही सेम रूल है, यहाँ कॉन्स्टेंट लगाएंगे, वेलोसिटी एल टी माइनस वन पुट करेंगे, एक्सेलरेशन पुट करेंगे, हाइट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन, पी और क्यू की वैल्यू को आप घर जाके सॉल्व करेंगे। ये भी क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द वाटर मे डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ लैम्डा रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी, ये गिवन है। तो आपको वेलोसिटी का करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो एक लंबा तरीका है, आप इसे ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से करें, वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू लैम्डा रेज टू पावर ए, डेंसिटी बी जी सी, डायमेंशन फॉर्मूला पुट करके ए बी सी निकाल लें, रिलेशन निकाल लें, पुट करें, बिल्कुल ना करें। अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आता है तो बिल्कुल भी ऐसा मेथड यूज ना करें, ऑप्शन चेक करें। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, पहला ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी पुट करें, जी को एक्सेलरेशन, एल को लेंथ पुट करके चेक करें, ये अगर रिलेशन करेक्ट आ गया तो यही आंसर है, नहीं आया छोड़ दो, नेक्स्ट ऑप्शन उठा लो। नेक्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करें, करेक्ट आ गया, करेक्टनेस आ, जिसकी भी करेक्टनेस होगी बस वही आंसर है। ए बी सी से करोगे लंबा पड़ जाएगा, ऑप्शन में करेक्टनेस चेक करके आंसर मार्क कर दो। ऑब्जेक्टिव करना ज़्यादा आसान है एमएलटी में। पॉइंट समझ में आया कि शॉर्टकट कैसे लगाना है इसमें। नेक्स्ट है ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रेशर एंड रेडियस। तो इसके अंदर आप एक बार सेम, एक ऑप्शन तो यही है ए और बी की फॉर्म में क्वेश्चन करें,
क्योंकि इसमें ऑप्शन गिवन है तो आप सिंपली इसको डायमेंशन फॉर्मूला करेक्टनेस से भी चेक कर सकते हैं, सिंपल लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर ले जो करेक्ट है वो आंसर हो जाएगा। घर जाके ट्राई करना, जिस मर्जी मेथड से करना आपकी मर्जी है। सेम है, इतना बड़ा रिलेशन कौन बनाएगा, इसके अंदर वो कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेट एम जी रेस टू पावर ए, ईटा रेस टू पावर बी, रेडियस रेस टू पावर सी। नहीं करना, ऑप्शन उठाएं, लेफ्ट और राइट पुट करें, डन, करेक्ट आ गया, डन। ये सबसे बढ़िया है, पर ये ऑब्जेक्टिव में चल सकता है, सब्जेक्टिव में तो फॉर्मूला बनाना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? तो ये होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट, 1 एटमोस्फेयर 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये SI है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, CGS। ये बात किसकी हो रही है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, तो वो लंबा सा मेथड, वो N2 वाला, N1 N2, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ABC निकल आएगा। N1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10^5, N2 निकाल लेना है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, ये करेक्टनेस चेक करनी है इसकी, ये मत करना, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, 11th को ये करने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑप्शन पुट करनी होती है इसमें, ये क्वेश्चन होमवर्क है, हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन नंबर 2 की थी, ए और बी निकालो। एंगल सेम, एंगल डायमेंशन लेस है, याद है, तो इसके अंदर ओमेगा को पहले मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, फिर ये पूरा डायमेंशन लेस है, ये 1 आएगा, तो यानी कि ओमेगा के की वैल्यू भी 1 है और ओमेगा एक्स बाई वी की वैल्यू भी 1 है। जो निकालना होगा निकाल लेना, एंगल वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। नेक्स्ट है सेम, ये बड़ी क्वेश्चन है, इसमें 2 एंगल है, तो 2 एंगल देखते ये टर्म भी डायमेंशन लेस है और ये वाली टर्म भी डायमेंशन लेस है, तो उठा के 1-1 पुट कर देना, ऑप्शन मार्क कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, हिंट दे रहा हूं कि कहां से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर KT, देखो KT एंगल है फिर से, तो KT इज इक्वल टू 1, आपको K निकालना है, K क्या है, 1/time, 1/time क्या है, हर्ट्ज, आंसर। ठीक है यहां तक? कॉस के अंदर फिर से क्या है, एंगल, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, 1, अगर ये डायमेंशन लेस है, टी अपॉन पी भी 1 है, क्यू इंटू एक्स भी 1 है। क्लियर है यहां तक? तो इंडिविजुअल को भी 1-1 पुट कर देंगे, आंसर जो पूछा होगा आप निकालना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है फिर से सेम, ये पूरे का पूरा एंगल है, रूल नंबर 1, 2π/λ को इससे और इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, और अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, यहां से ऑप्शन मार्क करना है। ये घर से करके आने हैं सारे, ट्राई करके आने के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करेक्शन करें, ये वी स्क्वायर है, वी 2 नहीं है, ये वी स्क्वायर है। मैं हिंट दे रहा हूं, घर से ट्राई करके आना है होमवर्क, क्या करना है, इसको सीधा करने की बजाय आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, इक्वेशन लिखें और इसको ब्रैकेट को ओपन करके ये टर्म्स निकाल लें। ठीक है यहां तक? अब मुझे पता है ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम सॉल्व करके ये टर्म आ गई, जो क्या आया, ML2T-2। ये जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, ML2T-2, बस उसके बाद आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 4-5 पार्ट्स है इसके, तो अपने आप आंसर आएगा, बस आप इसके ओपन करके डायमेंशन फॉर्मूला सबका सेम कर लें। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें?